क्या होता है पॉइजन, क्या होता है वेनम, क्या होता है अंतर दोनों के बीच। वैसे तो पॉइजन और वेनम दोनों ही शब्द जहर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों के मायने अलग हैं। इनके बीच में एक बड़ा अंतर होता है, आइए उसे समझते हैं। दोस्तों ये अंतर आसान भाषा में आपको तभी पता लगेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आप भी किसी को ये बात बता पाए। दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपकी कोई जानकारी मिस न हो। दोस्तों दुनिया में अलग अलग प्रजाति के जीव और वनस्पतियां हैं, सबके अलग अलग गुणधर्म और उपयोगिता होती है। कुछ जानवरों से हमें आहार संबंधित चीजें मिलती हैं, तो कुछ का इस्तेमाल हम अपने कामों को करवाने के लिए करते हैं। इसी तरह वनस्पतियों का भी हमारे जीवन में अलग अलग महत्व है। जहाँ एक तरफ कुछ जीव और वनस्पतियां हमारे लिए उपयोगी होती हैं, वहीं कुछ वनस्पतियां और जीव ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारी मौत तक हो सकती है। ऐसे जीव या तो खूंखार होते हैं या फिर ज्यादातर जहरीले होते हैं। जीवों के मामले में जहर के लिए अंग्रेजी में दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, पहला है पॉइजन और दूसरा है वेनम। क्या आप जानते हैं इन दोनों में काफी अंतर होता है? पॉइजन और वेनम में अंतर। वैसे तो पॉइजन और वेनम दोनों ही शब्द जहर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों के मायने अलग हैं। इनके बीच में एक बड़ा अंतर होता है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार पॉइजन वह है जिसे खाने पर आपकी मौत हो सकती है। हालांकि वेनम से भी मौत हो सकती है, लेकिन वेनम उसे कहा जाता है जिसे आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। आसान शब्दों में ऐसे जीव जो वैसे तो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन्हें खाया जाए तो मौत हो सकती है। वहीं वेनम वो जहर है जो किसी जीव के काटने पर आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ मेंढक को जहरीला पॉइजनस कहा जाएगा और सांप या बिच्छू को विषैला वेनमस। सीधे शब्दों में कहें तो वेनम को एक जानवर सीधे इंजेक्ट करता है, जबकि पॉइजन निष्क्रिय रूप से दिया जाता है जैसे कि छूने या निगलने से। जहरीला और विषैला में अंतर। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट में दक्षिण अलबामा विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी जेसन स्ट्रिकलैंड के मुताबिक, यदि आप इसे काटते हैं और आप बीमार हो जाते हैं तो ये जहरीला पॉइजनस होता है। यदि यह आपको काटता या डंक मारता है और आप बीमार हो जाते हैं तो यह विषैला वेनमस होता है।